Assalamualaikum, my name is Javed Iqbalewan. ASP.NET MVC में Ice Cream Parlor Web Application में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे डेटाबेस फर्स्ट की अप्रोच को यूज़ करते हुए एंटिटीज के जरिए से कोड फर्स्ट की एंटिटीज के जरिए डेटाबेस फर्स्ट की एंटिटीज के जरिए से और इसके बाद फिर हम लोग जो है वो एडमिन पैनल पर लॉग इन बनाएंगे. तो रिसेंटली जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको टेम्पलेट मैंने एक इम्प्लीमेंट किया हुआ था जिसके बारे में आपको बताया था. तो टेम्पलेट सिंपल से इम्प्लीमेंट हुआ है, जैसे ये यूज़र पैनल है मेरे पास जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कैसे हमने इसको मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है. और इसी तरीके से अगर मैं आ जाता हूँ तो मैं आपको एडमिन पैनल दिखाता हूँ. तो अगर मैं एडमिन पैनल पर आता हूँ तो हमारे पास एक एडमिन पैनल है, यूज़र पैनल है, हमारे पास एडमिन पैनल है, ठीक है जी. और एडमिन पैनल के लिए जो मैंने बनाया हुआ है आपको दिखा दूँ, यानी कि यूज़र कंट्रोलर बनाया, एक एडमिन कंट्रोलर बनाया. एडमिन कंट्रोलर पे जाएंगे आप, बाय डिफॉल्ट जो मैंने कॉल किया है एपीपी स्टार्ट के अंदर रॉट कॉन्फिग में जो स्टार्टअप पेज दिया है वो मैंने दिया है यूज़र के अंदर इंडेक्स, यानी जो बाय डिफॉल्ट इस वक्त खुला हुआ है. अगर मैं एडमिन पैनल पर जाना चाहता हूँ तो एडमिन के नाम से हमने कंट्रोलर बनाया और एडमिन कंट्रोलर के अंदर हमने एक मैंने इंडेक्स के नाम से एक व्यू बनाया, तो बाय डिफॉल्ट वो खुल जाएगी. अगर मैं यहाँ पर आकर एडमिन लिखता हूँ सिर्फ और हमने कहा एडमिन, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास जो है वो एडमिन पैनल हमारे पास रन हो जाएगा. तो ये दो टेम्पलेट इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, एक एडमिन टेम्पलेट इम्प्लीमेंट किया जो ग्लास का मैंने कहा था, ग्लास का टेम्पलेट इम्प्लीमेंट किया था अब जिसके अंदर जहाँ पे रेसिपी को मैनेज करना है और इसी तरीके से फ्लेवर को मैनेज किया है, यूज़र्स को मैनेज करने के लिए, बुक्स को ऐड करने के लिए, ये सारे अलग अलग जो है इसके अंदर जो है वो टैब बनाए हुए हैं और पेजेस के लिंक दिए हुए हैं. तो अब इसको हम फर्दर आगे काम करेंगे. अब जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन पे यहाँ पर लॉगिन का पेज दिया है, अब मैं चाहता हूँ लॉगिन करे कोई बंदा. तो अब यहाँ देखा मेरे पास दो लॉगिन थे, एक हमारे पास स्टूडेंट का लॉगिन भी और एक एडमिन का लॉगिन भी. देखिए इससे पहले सबसे पहले तो हमें डेटाबेस को जो है कनेक्ट करना पड़ेगा. तो डेटाबेस फर्स्ट की अप्रोच को यूज़ करते हुए अगर मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने एंटिटीज़ बनाई है, लेकिन मैं इन एंटिटीज़ को फ़िलहाल यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और मैं इसको इस एप्लीकेशन को कन्वर्ट करता हूँ डेटाबेस फर्स्ट की अप्रोच पर. तो मैं एंटिटीज़ को यहाँ से जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ और इसी तरीके से जो है वो वेब डॉट कॉन्टी फाइल में जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. तो इसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ डेटाबेस फर्स्ट के अप्रोच पे, क्योंकि मेरी अब तक कोई डेटाबेस फर्स्ट के अप्रोच पे कोई एप्लीकेशन नहीं है. तो रिक्वेस्ट थी मुझे लोगों की तरफ से कि भाई डेटाबेस फर्स्ट की जो है वह पे भी काम करके दिखाएं. तो डेटाबेस फर्स्ट में मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, मैंने माइग्रेशन वगैरह की हुई थी तो उसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. अच्छा जी, अब हम डेटाबेस फर्स्ट पे यूज़ करने जाते हैं. तो पहले तो मैं कंट्रोल शिफ्ट बी करके इसको कंपाइल करता हूँ कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें रिमूव की है, डिलीट की है. तो यहाँ से क्लियर हो गया, कोई हमारे पास जो है वो एरर नहीं है हमारे पास. अब इसके बाद जो है मैं डेटाबेस को कनेक्ट करने जाऊँगा तो मॉडल्स पर जाके आपने राइट क्लिक करना है और आपने ऐड करना है और यहाँ से ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल लेना है. आप यहाँ से भी डायरेक्टली ले सकते हैं, अगर आप ऐड न्यू आइटम करते हैं तो देन उस सूरत में भी आप इसको यहाँ पर ले सकते हैं. न्यू आइटम करने के लिए भी आपको यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से आपने ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल सेलेक्ट करना है और ऐड कर देना. दोनों तरीके होते हैं आपके डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, चाहे वहाँ से लें चाहे यहाँ से लें. अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से लेता हूँ, तो यहाँ पे उसका नाम होता है मॉडल वन, उसका नाम रखा है तो ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है. जो मुझे इस नाम को यूज़ नहीं करना, मुझे तो सिर्फ एंटिटीज़ के नाम की ज़रूरत होगी. तो मॉडल वन ही हम इसको रहने देते हैं, हमने कहा ठीक है जाने दो, ऐड कर दिया. अब यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ क्या करना चाहते हैं. अगर आप चाहते हो कि भाई डेटाबेस फर्स्ट की अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि EF डिज़ाइनर यानी एंटिटी फ्रेमवर्क डिज़ाइनर मिल जाए हमें और जो डायरेक्टली कनेक्ट हो डेटाबेस के साथ, यानी जो डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे उन सब के जो है वो लेआउट हमारे पास वहाँ पे शो हो जाए, तो फिर हम ये वाला ऑप्शन रखेंगे. यानी डेटाबेस फर्स्ट की अप्रोच जिसमें हम कोड नहीं करते, हम एंटिटीज नहीं बनाते बल्कि एंटिटीज भी वो खुद बना कर देता है और DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास से कनेक्ट भी वो खुद ही करता है. फिर इसी तरीके से जो है एंटिटी फ्रेमवर्क को भी इंस्टॉल वो खुद ही करता है, तो सारे काम वो खुद ही करता है. एक विजिट चलता है और उसके जरिए से हमें एक सब बना बनाए सारे सब चीज़ें मिल जाती हैं. फिर देन हम इसको कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हैं और फिर आगे फर्दर काम करना चाहे कर सकते हैं. तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन रखते हैं डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस. अच्छा, ये होता है एम्प्टी खाली के लिए. अगर मुझे खाली चाहिए ये डिजाइनर, मुझे बिल्कुल ब्लैंक चाहिए और फिर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा सर्वर एक्सप्लोरर से, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन रखोगे.
तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास एम्प्टी कोड फर्स्ट मॉडल, यानी कोड फर्स्ट के मॉडल पे भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई वो मुझे एक बना के एक पूरा सेटअप दे दे, तो फिर हम ये वाला ऑप्शन रख लेते हैं जिसके अंदर कोडिंग तो नहीं होती, अंदर के अलबत्ता जो है एक्शन जैसे मेथड वगैरह यूज़ किए होते हैं, मेथड बने होते हैं। और अगर ये तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हमारे पास होता है कोड फर्स्ट फ्रॉम डेटाबेस, यानी डेटाबेस के साथ कोड फर्स्ट के अप्रोच को यूज़ करते हुए बना ले, तो ये भी एक ऑप्शन होता है। लेकिन जो मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ पहला वाला ऑप्शन EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस का, ठीक है। हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। आप यहाँ पे आके न्यू कनेक्शन करेंगे तो यहाँ से हम अपने सर्वर की लोकेशन वगैरह इसको देंगे, हमने सर्वर नेम दे दिया। और ऑथेंटिकेशन पे आके मैं सिस्को से ऑथेंटिकेशन पे काम करना चाहता हूँ, तो यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने इसको दे दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर दिया, तो DB आइसक्रीम पार्लर के नाम से मैं डेटाबेस बनाया हुआ है, DB आइसक्रीम पार्लर के नाम से मैं इसी को यूज़ करूँगा। ओके कर दिया। फिर ये पूछ रहा है क्या मैं कनेक्शन स्ट्रिंग में यूज़र आईडी पासवर्ड जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है क्या वो लिख दूँ? यस, हमने क्या लिखते हैं, हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब जो एंटिटीज बना रहे हैं उसका नाम रखा DB आइसक्रीम पार्लर एंटिटीज, ये है असल चीज़ जिसको मैं यूज़ करना है हर कंट्रोलर में, और मुझे इसी के जरिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यही एंटिटीज DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास से इनहेरिट होती है, और इसी के अंदर DB सेट के मेथड जो है जेनरिक मेथड यूज हुए होते हैं, और जिसके ज़रिए से तमाम एंटिटीज़ के हमारे नाम के साथ SAES के टेबल के नाम के साथ SAES का इजाफा करके उसे सारे यहाँ नाम दिए हुए होते हैं, और हम इसी एंटिटीज़ को यूज़ करते हुए उन सबको यूज़ करते हैं और डेटाबेस तक एक्सेस करते हैं। तो ये है हमारे पास असल चीज़, इसको अगर हम नाम चेंज करना चाहें तो नाम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा DB एंटिटीज कर देता हूँ, मैंने कहा DB आइस एंटिटीज कर देते हैं, कुछ भी कर लिया, मैंने कहा DB आइस एंटिटीज कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर आके नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। अब वो हमें बोलेगा टेबल्स स्टोर प्रोसीजर्स अब्यूज जो बने हुए उसका वो रेफरेंस मांगेगा, तो हम यहाँ से उसको रेफरेंस देते हैं इसको। हम टेबल्स पे आ गए और यहाँ से आके हमने चेक लगा दी, मुझे सारे टेबल्स चाहिए तो मैंने सारे टेबल्स यहाँ से ले लिए, और अगर व्यूज़ होंगे तो व्यूज़ भी ले लेंगे, स्टॉक प्रोसीजर होंगे तो वो भी ले लेंगे। फिलहाल इसमें फिलहाल इसमें तो कोई चीज़ भी हमारे पास नहीं है, हमें बस टेबल्स ही, हमने टेबल्स को उसको रेफरेंस दे दिया। मॉडल का नाम रखेगा DB आइसक्रीम पार्लर मॉडल, ये बेसिक नेम स्पेस होता है, लाइब्रेरी कॉल होती है, कॉल हुई भी होती है, इसलिए हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। नाम चेंज करना चाहते हैं नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम मुझे फिलहाल इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। जब इसके जरिए ये होता है कि डेटाबेस डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है सर्वर एक्सप्लोरर के जरिए से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं और यूँ भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो उसकी एंटिटीज भी वो क्रिएट करके देता है मॉडल्स के अंदर ही, और इसकी तरीके से हमारे पास जो है उसके जितनी भी मेथड ऐसा यूज़ करेंगे। और ये कहते हैं बिल्कुल सबको रिफ्रेश कर दो, तो मैं कहता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ काम अपने तरह से तो किया नहीं है ना, वेब.कॉन्फ़िग फाइल वगैरह में बेसिकली कहता है कि वेब.कॉन्फ़िग फाइल में जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग बनी होगी तो उसको रिमूव कर देगा और अपनी एंटिटीज डाल देगा, अपने का ठीक है डाल दो जस्ट ऑल, अपना रेफरेंस पास कर देगा उसके अंदर। अब यहाँ देखिए मैंने जिन जिन टेबलों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, वन टू मैनी की रिलेशनशिप बनाई है, सब वो आप दिखा रहा है कि किस में वन टू वन मैनी हुई हुई है, किसके अंदर हमारे पास वन टू वन हुई हुई है, ये सारी रिलेशनशिप बता रहा है, जो कि मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने पहले क्लियर कर चुका हूँ और सारा दिखा चुका हूँ। अगर नहीं देखा तो इसकी नंबर पहली रिकॉर्डिंग देखिएगा जिसमें मैंने जो है वो टेबल का सारा स्ट्रक्चर और स्क्रिप्ट समझाई हुई है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए ये मॉडल के अंदर सारे काम कर दिया है, यहाँ देखिए इसे मॉडल 1.tt के अंदर यहाँ पर जितने भी हमारे टेबल्स हैं उन सब की इसने यहाँ पर एंटिटीज क्रिएट कर दी है, ठीक है, जो हम नॉर्मली कोड फर्स्ट के अंदर खुद बनाते हैं। बुक आईडी हमारे कॉलम का नाम है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, तो उससे प्राइमरी की भी किया हुआ है, और इसी तरह से जितने भी टेबल्स हमारे पास थे उन सब टेबल्स की इसने यहाँ पे एंटिटीज हमें बनाकर दे दी है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब जैसे मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इसको एडमिन पैनल में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं आई थिंक मैं दूसरी रिकॉर्डिंग में बताया था ताकि आपको आराम आराम से हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो इस रिकॉर्डिंग के अंदर जो मैंने किया है उसी डेटाबेस फर्स्ट के अप्रोच को यूज़ करते हुए इसको कनेक्ट किया इस अपनी एप्लीकेशन के साथ डेटाबेस को, और फिर देन अब नेक्स्ट में जो है वो मैं लॉगिन भी आऊँगा और वहाँ से जो है लॉगिन का कोड आप लोगों को कराऊँगा। तो यहाँ साथ साथ देखते रहिए, बनाते रहें, और यहाँ मैं आपको दोबारा बता दूँगा, देखो ये एडमिन लेआउट जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, थोड़ा सा इसमें बच्चों का इश्यूज़ आ रहा है, मैं दोबारा बता दूँ। ग्लांस का मैंने जो है यूज़ किया है, एडमिन पैनल यूज़ किया है, और बहुत आसान होता है ग्लांस जब हम यूज़ करते हैं, तो ग्लांस के अंदर index.html की फाइल होती है,
index.html के फाइल पे जब हम आते हैं तो यहाँ देखिए वो सारी जो कोडिंग है सारी index.html की फाइल के अंदर जो जितनी भी css कॉल हुई है जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं वो सारे मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। सही जी, हेड से पहले हेड क्लोज होने से पहले मैंने सब कुछ को पेस्ट कर दिया है। index.html की फाइल जो क्लास के अंदर मौजूद थी वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे बॉडी पे आ जाते हैं, बॉडी पे आके जो बॉडी के अंदर मुझे जो मेन्यू बार चाहिए उस मेन्यू बार का कोड को उठाया है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसी तरीके से जो मैंने लिंक बनाया हुआ उस लिंक को यहाँ पे पास कर दिया। और फिर इसके बाद लास्ट में आके हमने जो है वो फूटर के अंदर आके हमने जो है वो वहाँ पर जो फाइल कोड था वो सारा का सारा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये क्लास का सिंपल जो है एडमिन पैनल यूज़ हुआ हुआ है। और इसी तरीके से जो हमारे पास जो यूज़र का लेआउट पेज है उसके अंदर मैंने क्या किया है कि जो टॉप का एरिया है उसको मैंने हेडर के तौर पर ले लिया है। और जहाँ हमें पता है कि रेंडर बॉडी का मेथड होता है जहाँ पर हमारे व्यूज डिस्प्ले होते हैं तो उससे पहले जो एरिया होता है वो हेडर का होता है, इसके बाद का एरिया फुटर होता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसके अंदर रेंडर बॉडी का टेक्स्ट से पहले मैंने एक टेम्पलेट नेट से उठाया और उसका टॉप का एरिया जो मैं हेडर में देना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास ये वाला एरिया है, जैसे बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे इतना हिस्सा मैंने हेडर का उठाया, ठीक है जी, और इसके बाद का हिस्सा मैंने फुटर के लिए लिया है। तो ये वहाँ से टेम्पलेट से लिया है और उसको पास करने के लिए सिंपल वहाँ से जो हमने कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया उसकी सीएसएस मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है और हेडर को रेंडर बॉडी से पहले पास कर दिया है और फुटर मैंने रेंडर बॉडी के बाद के हिस्से में पास कर दिया है। तो सिंपल बड़े आसानी से 5 मिनट लगता है कोई भी टेम्पलेट इंप्लीमेंट करने के अंदर, अगर खुद काम करना चाहिए तो उसमें टाइम लगता है और अगर काम इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो 5 मिनट का काम होता है। सॉरी, तो आप इसको जो है यहाँ तक काम करें, फिर इसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं आपको लॉग इन कराऊँगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।